YouTube channel ZPR Singh. So guys, आज की वीडियो में आप लोग साथ शेयर करने वाली हूँ my top 10 hacks for Indian girls to level up your looks or to make your looks up to pro max or up to level 10. तो guys, मैं इस वीडियो में नॉट ओनली आपके लुक्स को इम्प्रूव करने के बारे में बताऊंगी बट आई एम गोइंग टू शेयर द फैशन, ग्रूमिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी को कैसे आप बूस्ट अप कर सकते हो, वो भी घर बैठे बहुत ही ईजिली. सो गाइज, आपने एक चीज़ नोटिस की है कि आपका जो 50% ब्यूटी होती है ना, वो इनर ब्यूटी होती है, एंड जो 50% ब्यूटी होती है वो आउटर ब्यूटी होती है. तो आपको मैं इस 50% को कैसे कैसे बैलेंस करके चलना है इस वीडियो में प्रॉपर बताने वाली हूँ. सो गाइज, इंट्रो को बिना लंबा करते हुए लेट्स जंप इनटू द वीडियो. हैक नंबर 1 इज योर आईब्रोज. सो गाइज, आपके फेस पे जो पहली चीज नोटिस होती है ना, इज योर आईब्रोज, एंड ये आपके फेशियल फीचर को एनहांस करने का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रखती है. तो अगर आप अपने फेस को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो ना, तो आप अपने आईब्रोज को थिकर एंड फुलर बनाओ. जैसे कि आप देख सकते हो, मेरी दी की ना बचपन से ही आईब्रोज बहुत ज्यादा थिन आती थी एंड बहुत ही लाइट शेड की आती थी. तो मैंने दी को सजेस्ट किया पहली चीज कि आप अपनी आईब्रोज को ना ट्रिम करना स्टार्ट कर दो, उसे शेप देना स्टार्ट कर दो. बिकॉज अगर आपकी आईब्रोज बनाना आप स्टार्ट कर दोगे तो वो ना वहां से ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी एंड जो ग्रोथ होगी वो थिकर होगी एंड डार्क कलर के आईब्रोज आएंगे. सो सबसे पहली चीज आपको करनी है कि अगर आपके आईब्रोज नहीं है तो आपको आईब्रोज को शेप करना स्टार्ट करना है. इससे ना आपकी आईब्रोज की ग्रोथ ऑटोमेटिकली हो जाएगी. सेकेंड थिंग, रात में सोने से पहले आपको अपने आईब्रोज पे कैस्टर ऑयल लगा के सोना है. कैस्टर ऑयल आपके हेयर ग्रोथ को एनहांस करती है एंड ये आपके आईब्रोज को डार्कर बनाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती है. तो एवरी नाइट आप ये फॉलो करो. हैक नंबर 2 इज हैविंग अ ब्रालेट. तो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैंने रिसेंटली एक बहुत ही प्रिटी वाइन कलर का ब्रालेट परचेज किया था. रीजन बिहाइंड इज कि मैं ना इसे बहुत तरीके से कैरी कर सकती हूँ एंड अपने ड्रेसेस के साथ ना मिक्स मैच करके पहन सकती हूँ. अब फर्स्ट आउटफिट की बात की जाए तो मैंने इसे पेयर अप किया है विद माई जीन्स. आप देख सकते हो ये जीन्स के साथ कितना ज़्यादा कूल लुक दे रही है. एंड अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो सिर्फ ब्रालेट पहनने में, तो आप इसके ऊपर ना एक शर्ट कैरी कर सकते हो एंड कॉलेज के लिए यू आर जस्ट गुड टू गो. एंड अगर आप ब्रालेट को अपनी साड़ी के साथ स्टाइल करना चाहते हो ना, देन ऑल्सो इट विल लुक सो ब्यूटिफुल, इट लुक सो ग्लैमरस ऑन यू. बिकॉज आजकल क्या होता है ना, गर्ल्स साड़ी वेयर करती हैं तो उन्हें ना पसंद नहीं है कि वो मैचिंग के ब्लाउजेस पहने या फिर उस साड़ी का ब्लाउज पहने. तो उसके लिए आप बेस्ट है कि ब्रालेट के साथ साड़ी कैरी करो, तो ये बहुत ही ज्यादा सेक्सी सा लुक भी देती है. एंड आप इसे कोई भी ट्रेडिशनल वेयर के साथ वेयर कर सकते हो. आप इसे स्कर्ट के साथ, कोई भी लहंगे के साथ भी पहनोगे ना, देन ऑल्सो यू विल लुक मोर ब्यूटिफुल. हैक नंबर 3 इज वेयरिंग कुर्ती. तो गाइज, हम सबका शौक होता है ना कि हम लोग अपने कॉलेज में, ऑफिस में, अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत ज्यादा डिफरेंट दिखें. एंड डिफरेंट दिखने के चक्कर में हम लोग वेस्टर्न ट्रेंड को तो फॉलो करते हैं बट इंडियन ट्रेंड को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ जाते हैं. तो अगर आपको अपने सराउंडिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंट दिखना है तो नॉर्मल डेज में कुर्ती वेयर करना स्टार्ट कर दो, सूट्स वेयर करना स्टार्ट कर दो. ट्रस्ट मी गाइज, कुर्ती इज समथिंग ना जो आप ऑफिस में बहुत ही इजिली कैरी करके जा सकते हो, कॉलेज में भी कैरी कर सकते हो. जैसे कि आप देख सकते हो मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, मैं बहुत ही बेसिक की कुर्ती ही परचेज करती हूँ, बहुत ही हैवी कुर्ती नहीं परचेज करती हूँ. बिकॉज ऐसी कुर्तियाँ ना आप इजिली मार्केट जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो या फिर तो कॉलेज भी जा रहे हो, तो अपने जीन्स के ऊपर कैरी कर सकते हो, अपने ट्राउजर्स पैंट्स के साथ कैरी कर सकते हो. नॉट ओनली कुर्ती, आप एक सूट सेट भी परचेज कर सकते हो जो काफ़ी सिंपल हो दिखने में, जो काफ़ी कंफर्टेबल हो. और ये नॉर्मल डेज में भी अगर आप इसे कैरी करोगे ना, तो आप अपने कॉलेज में अपने कलीग के आसपास आप खुद देखना कि आप कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो और कितना ज़्यादा वो इंडियन टच जो आपके अंदर आ गया ना, उसकी वजह से आप और ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव दिख रहे हो. हैक नंबर 4 इज सेक्सी एंड सस्ती एक्सेसरीज. बिकॉज एक्सेसरीज इज समथिंग ना जो आपके ओवरऑल लुक के गेम को चेंज करके रख सकती है. इसके लिए आपको सी रूल फॉलो करना है, सी फॉर क्लासी एंड सी फॉर चीप. लाइक क्लासी भी हो दिखने में एंड एट द सेम टाइम बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल हो. तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बहुत सारी इयररिंग्स परचेज की थी. ये मुझे 100 rupees में 4 इयररिंग्स मिल गई थी. लाइक मैंने इसे बंच में खरीदा तो मुझे इतनी सस्ती मिल गई और इसकी क्वालिटी भी सुपर है. एट द सेम टाइम ये दिखने में भी काफी ज्यादा हैवी दिखती है, काफी ज्यादा महंगी दिखती है. बात की जाए डबल लेयर नेकलेस की, मैंने इसे 100 rupees में परचेज किया है. आप अगर ऑनलाइन जाके सर्च करोगे ना, यही 500-600 का मिलेगा. बिकॉज मैंने ऑफलाइन लिया तो मुझे इतना ज्यादा ये सस्ती मिल गई. इन द सेम वे मेरे पास कुछ रिंग्स हैं, मैंने अगेन ये रिंग्स ऑफलाइन परचेज की. तो गाइज, आप कुछ चीजें ना ऑफलाइन जाके परचेज किया करो, देख के परचेज करो. बिकॉज ऑफलाइन चीजें आपको बहुत ज्यादा सस्ती मिल जाती है एंड सामने आप चीजें को ना लाइक मोल भाव करके कर सकते हो, बार्गेनिंग इजिली कर सकते हो रेदर ऑनलाइन. तो सब कुछ ऑनलाइन पे डिपेंड मत हुआ करो, कुछ चीजें ऑफलाइन जाके भी ले लो जो कि
बहुत ज्यादा आपको अफोर्डेबल मिल जाएंगी और दिखने में भी वो बहुत ज्यादा अच्छी दिखती है, बहुत ही ज्यादा महंगी, कॉस्टली एंड क्लासी दिखती है। हैक नंबर 5 इज योर इंटीमेट हाइजीन। आउटर ब्यूटी को कितना ही ज्यादा मेंटेन कर लो, बट अगर आपकी इनर ब्यूटी, आपका वजाइनल एरिया इम्बैलेंस हो रखा है, तो आपकी इनर ब्यूटी का कोई फायदा नहीं। एंड फॉर दैट मैं यूज करती हूँ नामिया का नेचुरल स्किन केयर इंटीमेट हाइजीन वॉश। तो मैं सिंपली एवरीडे बेसिस पे, सपोज करो ये मेरे हैंड्स वजाइनल एरिया, मैं इसे वेट करके अच्छी तरीके से पंप आउट करती हूँ ये इंटीमेट हाइजीन वॉश, एंड इसे हल्का हल्का सा मसाज करती हूँ। ये हाइजीन वॉश इनरिच्ड विद गुडनेस ऑफ हल्दी, चंदन, एलोवेरा, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट एंड क्यूकम्बर फ्रूट एक्सट्रैक्ट से मिक्सड है। गाइज मैं इसे रेगुलर बेसिस पे यूज करती हूँ, इसकी वजह से जितनी भी इचनेस होती है, रेडनेस होती है, अनवांटेड ओडोर होता है ना, वो टोटली रिमूव हो जाता है, क्योंकि इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये टोटली नेचुरल है, तो सारे स्किन को सूटेबल करने वाला है। इसमें कोई भी काइप ऑफ पैराबेन, सल्फेट, एक्सेसिव ऑफ सोप नहीं है, तो आपकी पीएच लेवल को मेंटेन करके रखेगा आपके वजाइनल को एंड उसे लाइटन एंड ब्राइटन अप करेगा। सो इफ यू वॉन्ट टू परचेज दिस प्रोडक्ट तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। हैक नंबर 6 इज शोइंग राइट अमाउंट ऑफ स्किन। सो आई ऑलवेज फील इन माई टीनेज डेज द शॉर्टर माई क्लोथ्स आर द हॉटर आई लुक, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, बिकॉज इवन एक यूनिवर्सिटी की स्टडी के कंक्लूजन में भी पाया गया है कि 40% अगर आप अपनी स्किन को शो करते हो, इट्स द आइडियल अमाउंट ऑफ टू लुक अट्रैक्टिव। अब इसमें कितना ज्यादा सेंस है मुझे नहीं पता, बट मैंने एक चीज से अंदाजा लगा लिया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे शॉर्ट्स पहन रखा है, अब शॉर्ट्स के साथ मैंने एक टी शर्ट कैरी की है, तो ये ना एक बहुत ही अच्छा सा मिक्स मैच हो गया। लाइक मैंने अपने लेग्स को तो काफी, लेग्स की स्किन तो शो की, बट अपने अपर वेयर की स्किन को लाइक कवर करके रखा, जिसकी वजह से ये बैलेंस हो गया। इन द सेम वे मैंने एक बहुत ही अच्छा सा प्रिटी सा टॉप पहन रखा है, जिसमें मेरा हल्का सा क्लीवेज शो हो रहा है एंड मेरे स्लीव्स काफी ज्यादा स्मॉल हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके साथ बॉटम जो है वो एकदम फुल रखूं। आप इसके साथ पैंट्स भी ट्राई आउट कर सकते हो, सो दैट कि इसका बैलेंस बना रहे। तो मैं यही चीज अब हमेशा फॉलो करती हूँ कि अगर ऊपर का मेरा टॉप शॉर्ट है तो मैं नीचे कोशिश करती हूँ कि मैं फुल पहनूं, एंड अगर नीचे मैंने कुछ शॉर्ट पहन रखा है तो मैं कोशिश करती हूँ ऊपर फुल रखूं। इससे क्या होता है कि मिक्स मैच करके अगर आप चलते हो ना, तो आप आइडियली काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगते हो, रेदर देन कि आप ऊपर भी शॉर्ट पहनो नीचे भी शॉर्ट पहनो। हैक नंबर 7 इज हैविंग लोफर्स। अब बहुत सारी गर्ल्स कहेंगे कि लोफर्स तो बॉयज पहनते हैं, यार हमने बॉयज के इतनी सारी चीजें छीन के पहन लिए तो लोफर्स क्या चीज है। सो मैंने रिसेंटली ना मेंस कलेक्शन से एक बहुत ही प्यारा सा डार्क ब्राउन शेड का लोफर परचेज किया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये बहुत ही ज्यादा क्लासी लुक देता है। नॉट ओनली बॉयज इसे पहन सकते हैं, बट गर्ल्स भी पहन सकते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसे पहना है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, इसके अंदर बहुत ज्यादा हाई हील्स नहीं है, तो आप इसे ऑफिस वेयर के लिए, कॉलेज वेयर के लिए इजिली स्टाइल कर सकते हो। और जो सबसे बेस्ट बात होती है ना, आप इसे ट्रेडिशनल वेयर पे, इवन वेस्टर्न वेयर पे बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस करके पहन सकते हो। इसे वेस्टर्न वेयर टॉप एंड जीन्स के साथ पेयर किया है, देन ऑल्सो इट लुक सो क्लासी, इट लुक सो टेस्टफुल ना। तो आप ना कुछ कुछ चीजें ना बॉयज के कलेक्शन से भी चोरी कर लीजिए कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए भी कंफर्टेबल भी होगी, आपके फुट एरिया को टैन से भी बचाएगी एंड एट द सेम टाइम आप बहुत ज्यादा क्लासी दिख सकते हो, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिख सकते हो। हैक नंबर 8 इज एनहांसिंग योर ब्यूटी बोन। अब हमारी गर्ल्स की ब्यूटी बोन कहाँ होती है, जस्ट आपके फेस के नीचे इज दिस कॉलर बोन, एंड ये कॉलर बोन ना आपकी ब्यूटी को एकदम एक्सट्रीम लेवल पे लेके जा सकती है। अब इसको एनहांस कैसे करें, तो कुछ कुछ लोगों का ना ये पार्ट ना काफी ज्यादा निकला हुआ था, वो ऑलरेडी एनहांस्ड होती है, बट आप इसे फेक एनहांस करना चाहते हो ना, सिंपली आप हाइलाइटर ले लीजिए या फिर तो ब्रॉन्जर ले सकते हो, एक ब्रश की हेल्प से हल्का हल्का सा ना इस एरिया को हाईलाइट कर लीजिए। एंड ट्रस्ट मी गाइज, आप जब भी कोई भी ऐसा डीप नेक टॉप पहनते हो या फिर शर्ट पहनते हो या फिर कुछ भी ऐसा यहाँ तक का टॉप पहनते हो एंड अपने इस ब्यूटी बोन को हाईलाइट कर लो, थोड़ा सा ब्रॉन्ज कर लो, कॉन्टोर कर लो ना, तो ये आपके पूरे लुक को बहुत ही इन्हांस कर देती है। इवन आपका फेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड दिखता है, आपका पूरा जो नेक एरिया है ना काफ़ी ज़्यादा शार्प लुक दिखता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने लग सकते हो। सो ये ना एक बहुत ही लाइक क्विक सा DIY काइंड ऑफ है, जो आप एवरीडे बेसिस पे फॉलो कर सकते हो या फिर आपको जब भी मन करे, अगर आप डीप नेक के टॉप्स वेयर कर रहे हो तो आप ये चीज़ फॉलो अप कर सकते हो। हैक नंबर 9 इज लुक टॉलर। वैसे तो हाइट आपके अट्रैक्टिवनेस को जज नहीं करती है, बट बहुत सारे लोग का ऐसा मन करता है, शौक होता है कि यार काश हम लोग हाइटेड होते, काश हम लोग टॉल दिखते। तो इसके लिए आपको सिंपली सा एक बहुत ही क्विक सा फंडा अपना लेना है, आप ना एक मोटे सोल वाला शूज परचेज कर लीजिए, जैसे कि मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, मैंने इसे रिसेंटली परचेज किया था ऑफलाइन, ऑनलाइन आपको बहुत ही इजिली 400-500 का मिल जाएगा, मैं लिंक्स भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड ये ना आपकी हाइट को एक लेवल ऊपर ले जा सकता है, क्योंकि मोटे सोल वाले शूज
क्लासी तो दिखते हैं, कूल तो दिखते हैं, एट द सेम टाइम इसकी वजह से आपकी हाइट और ज्यादा ऊंची दिखने लगती है। अब इसके साथ ही साथ सेकेंड थिंग आपको करनी है कि आप जो बॉटम वेयर परचेस करते हो उसे आपको हाई वेस्टेड परचेस करनी है। बिकॉज क्या होता है कि जब आप हाई वेस्टेड कुछ चीज पहनते हो ना, आप अपने लाइक टमी एरिया से थोड़ा हल्का सा ऊपर, तो वो ना काफी ज्यादा लॉन्ग दिखना स्टार्ट हो जाती है। आपकी जो लेग्स है ना वो काफी ज्यादा टॉलर दिखना शुरू हो जाते हैं। एंड कोशिश कीजिए कि जो ट्राउजर्स हो और जीन्स पैंट्स हो ना वो थोड़ी लॉन्ग लीजिए आप। हाई वेस्टेड होगी ना इसकी वजह से आप काफी ज्यादा टॉलर दिख सकते हो, काफी ज्यादा क्लासी दिखता है ये। एंड आजकल तो ये काफी ज्यादा ट्रेंड में भी चल रहा है, तो आप इसे इजिली इस काइंड ऑफ चीजें परचेज कर सकते हैं। हैक नंबर 10 इज ब्राउन ब्यूटी। सो गाइस, हमारी इंडियन की जो सबसे बेस्ट चीज होती है ना इज द डस्की स्किन, बिकॉज डस्की स्किन आपके ब्यूटी को एनहांस करने का बेस्ट लेवल होता है। एंड अगर आप अपनी डस्की स्किन को एनहांस्ड करना चाहते हो ना, तो बेस्ट है कि आप डार्क रेड लिपस्टिक वेयर करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज इंडियन स्किन टोन पे रेड लिपस्टिक्स बहुत ज्यादा सूट करती हैं। एंड ट्रस्ट मी, आप इसे एवरीडे बेसिस पे भी कैरी करोगे ना, देन ऑल्सो ये बहुत ज्यादा नॉर्मल दिखेगा, बहुत ज्यादा क्लासी दिखेगा। इसके साथ ही साथ अगर आप डस्की स्किन टोन को और ज्यादा इन्हांस्ड करना चाहते हो ना, तो आप इसके लिए डार्क कलर के टॉप्स, डार्क कलर की शर्ट्स, डार्क कलर के अपर वेयर पहनना स्टार्ट कर दो। इसकी वजह से ना आपका जो डस्की स्किन है वो और ज्यादा निखर के आता है। तो कभी भी ना ये मत सोचना कि यार हमारी डस्की स्किन टोन है तो हम लोग सुंदर नहीं दिख सकते, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि डस्की स्किन एक्चुअली में बताती है कि यार हम लोग इंडियंस हैं, ये हमें डिस्क्राइब करती है। आपको बस इस डस्की स्किन टोन को हल्का सा इनहेंस करना होता है, इसके लिए एक रेड लिपस्टिक और एक डार्क कलर के शेड्स के क्लोथ्स परफेक्ट है आपको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। होपफुली गाइस आज की वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल लगी हो। सो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये वीडियो को लाइक कर देना, अपनी सारी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।